अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डेल्टा पीएलसी को यूज़ करते हुए मोटर्स के आरपीएम को फाइंड करना सीखेंगे। लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो मैं आपको अपरेटस का ओवरव्यू दे दूं जो मैं इस एग्जांपल में यूज़ कर रहा हूं। तो डेल्टा का 10SX रिले टाइप पीएलसी यूज़ कर रहा हूं और 24 वोल्ट डीसी मोटर यूज़ कर रहा हूं जिसके रेटेड आरपीएम 10,000 है और रोटेटिंग डिस्क प्लेस की हुई है मैंने मोटर की शाफ्ट के ऊपर और उसके साथ मैंने स्लॉट टाइप सेंसर अटैच किया हुआ है जो कि आगे चल के मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इसके बाद आ जाता है सर्किट डायग्राम। तो आइए चलते हैं, अब मैं आपको सर्किट डायग्राम शो करवा देता हूँ। तो सर्किट डायग्राम की तरफ आएँ तो मेरे पास एक डेल्टा की पीएलसी है और इस डेल्टा की पीएलसी के अलावा मेरे पास एक सेंसर है स्लॉट टाइप और इसके अलावा इसके साथ डीसी 24 वोल्ट की हाई आरपीएम जिसके रेटेड आरपीएम 10,000 है डीसी मोटर अटैच और इस डीसी मोटर के साथ मेरे पास एक डिस्क अटैच है जो कि रोटेटिंग है और इस स्लॉट के अंदर मूव करती है। जब इसका ट्रांसपेरेंट हिस्सा इसके आगे आता है तो ये सेंसर ऑन हो जाता है। इसके अलावा मेरे पास सर्किट में एक 24 वोल्ट की डीसी पावर सप्लाई है। इसके कनेक्शन कुछ इस तरह से मैंने किए हुए हैं कि इसका जो 24 वोल्ट का सिग्नल है वो मैंने S/S पे डायरेक्ट दिया हुआ है ताकि जब ये इसका जो नेगेटिव सिग्नल है वो मैंने इसके NO पॉइंट पे दिया हुआ है सेंसर के, जब सेंसर ऑन होगा तो ये वाला पॉइंट क्लोज हो जाएगा और यहाँ से एक आउटपुट जो है X0 पे आ जाएगी। और इस तरह जब भी ट्रांसपेरेंट हिस्सा इस सेंसर के आगे आएगा तो हमारे पास ये जो सिंक वाला सिग्नल है वो सेंसर से आउट होके X0 पे मिल जाएगा और इसको एक पल्स काउंट कर लेगा पीएलसी। इसके अलावा इस सेंसर को 24 वोल्ट की पावर सप्लाई भी रिक्वायर्ड है, वो मैंने इसके साथ अटैच की हुई है और डीसी मोटर को 24 वोल्ट की सप्लाई अटैच की हुई है। तो इस तरह कुछ हमारे पास कंप्लीट सर्किट है। अब आता हूँ मैं आपको इसकी वर्किंग शो करवा देता हूँ कि हमारे पास इसकी जो ये सेंसर है ये वर्क कैसे करता है। वर्किंग की तरफ आए तो हमारे पास वर्किंग कुछ इस तरह से है कि जब भी स्लॉट टाइप सेंसर के आगे ट्रांसपेरेंट हिस्सा आता है तो ये हमारे पास सेंसर ऑन हो जाता है और ये कंटिन्यूसली X0 पे पल्सेस प्रोवाइड कर रहा है और पल्सेस प्रोवाइड कर रहा है तो हमारे पास जो प्रोग्राम में हाई स्पीड काउंटर लगा हुआ है वो इन पल्सेस को काउंट करता है और इस तरह हम इसके आरपीएम को फाइंड कर लेते हैं। अब मैं आपको फिजिकली सर्किट का ओवरव्यू दे देता हूँ और फिर हम पीएलसी प्रोग्राम राइट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पीएलसी शो करवा देता हूँ। ये मेरे पास पीएलसी है और पीएलसी के ये जो है S/S पॉइंट पे सिग्नल आया हुआ है और ये एक सिग्नल है X0 के साथ अटैच है जो कि सेंसर से आउट हो रहा है। मेरे पास जो सेंसर है लगा हुआ है ये स्लॉट टाइप सेंसर है और ये डिस्क लगी हुई है डीसी मोटर के साथ। ये मोटर की पावर सप्लाई है और ये सेंसर की पावर सप्लाई है और ये जो है हमारे पास सेंसर की आउटपुट है जो कि पीएलसी की इनपुट पे आ रही है X0 पे। तो आइए चलते हैं अब हम पीएलसी प्रोग्राम की तरफ। तो मेरे पास डेल्टा की पीएलसी है तो मैं सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ, WPL सॉफ्ट, और क्रिएट न्यू फाइल कर लेता हूँ। SX मॉडल है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको ओके कर लेते हैं। तो इधर एक मैं मेमोरी ले लेता हूँ जो कॉन्टीन्यूसली ऑन रहे, तो M1000 स्पेशल मेमोरी है जो कि कॉन्टीन्यूसली ऑन रहती है। और इसके बाद मैं आ जाता हूँ DCNT 32-bit काउंटर ले लेता हूँ C235 और इसकी कोई भी वैल्यू आप रख लें। लेट्स सपोज ये मैं इंटर कर लेता हूँ और इसी के साथ मैं एक टाइमर ले लेता हूँ TMR T0 एक सेकंड के लिए, 100 मिली सेकेंड वाला एक टाइमर है और जैसे ही ये टाइम अपना कंप्लीट करेगा T0 हमारे पास जो भी वैल्यू होगी वो मूव कर देगा C235 से D0 के अंदर और इसी तरह जो भी वैल्यू हमारे पास D0 और D1 के अंदर 32 बिट है तो D0 और D1 के अंदर जो भी होगा उसके साथ हमारे पास K60 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि हमारे पास पर सेकंड वैल्यू D0 के अंदर आ रही है। इट्स मींस कि हमारे पास जो D0 के अंदर वैल्यू आएगी वो RPS होगी। अगर हमको RPM चाहिए तो उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो D10 के अंदर मैं इसको मूव करवा देता हूँ तो इस टाइम जो मेरे प्रोग्राम है इसके अंदर D0 के अंदर मेरे पास RPS रहेंगे और D10 के अंदर RPM रहेंगे।
इसके बाद मैं रीसेट करवा देता हूँ C235 को, और लूप में चलाने के लिए टाइमर को भी रीसेट कर देता हूँ। तो प्रोग्राम राइट हो चुका है, इसको मैं कोड कर लेता हूँ और राइट टू PLC कर लेते हैं। साथ में इस टाइम जो मेरे पास मोटर है उसकी कंडीशन भी मैं शो करवा देता हूँ। तो जो मेरे पास इस टाइम मोटर है स्टॉप कंडीशन में है, अब मैं इसकी पावर को ऑन करता हूँ और मोटर को रन करता हूँ। तो जैसी मोटर रन होगी तो मेरे पास RPS और RPM दोनों की वैल्यू D0 और D10 में शो हो जाएगी। तो मैं इसको ऑन करता हूँ, तो जैसे ही मैंने ऑन किया है देखें हमारे पास इस टाइम जो है 180, 179 RPS आ रहे हैं और 10,800, 740, 800, 680 ये मेरे पास RPM मोटर के इस टाइम चल रहे हैं। ये देखिए मेरे पास कंटिन्यूसली ऑन है X0, इस पे पल्सेस आ रही हैं। तो जैसे ही मैं इसको स्टॉप करता हूँ लेट सपोज मोटर को, तो हमारे पास जो है ये ऑफ हो गया है X0, क्योंकि X0 पे अब पल्स नहीं आ रही और हमारे पास इस टाइम ये डार्क साइड है सेंसर के आगे। जैसे ही मैं इसके आगे ट्रांसपेरेंट हिस्सा लेके आऊँगा तो देखिएगा X0 ऑन हो जाएगी, X0 ऑन हो गई है इस टाइम जो है, ट्रांसपेरेंट साइड जो है इसके आगे आई हुई है। तो मैं दोबारा रन करके आपको एक दफ़ा चेक करवा देता हूँ। तो इस तरह जो है आप किसी भी मोटर के RPM को हाई स्पीड काउंटर से काउंट करके इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये सेंसर मैंने स्लॉट टाइप लगाया है, आप इसकी जगह कोई और फोटो सेंसर या प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा के भी काउंटिंग करवा सकते हैं। दैट्स इट, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।